नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ्स मंडी। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं पलामू किला में और आज हम पलामू किला का ही सीन आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ का पूरा नजारा आपको दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आएंगे। झारखंड वासी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे मजा ले रहे हैं। आज है छठ का पालन है, आज पालन है, आज पालन के दिन यहाँ पे काफी लोग आते हैं घूमने के लिए। ऑलरेडी एंजॉय चौक से ऑलरेडी एंजॉय बाबा की जय हो। यहाँ पे मतलब काफी दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो काफी मतलब अपना जगह भी है, आपको बताएं कि ये कहाँ से आए हुए थे। सो तो पारंग पारंग के दिन में देखिए आप यहाँ से गारू लगभग 40 से 50 किलोमीटर है ना, यहाँ से अप्रोक्स यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर गारू, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और काफी लोग आए हुए हैं। तो आज हम आपको यहीं का ब्लॉग्स दिखाने वाले हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर तो उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आगे का ब्लॉग्स। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं ऊपर में और ऊपर में दिखाते हैं ऊपर का क्या सीन आता है। हालांकि आप देख सकते हैं सीढ़ी यहाँ पे काफी पतला है और मरम्मत हुआ है, लेकिन देख सकते हैं सीढ़ी काफ़ी अच्छा मरम्मत हुआ है, यानी कि चलने में कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद देखते हैं कि ऊपर के क्या सीन आता है, ऊपर क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। और फिर ऊपर आने के बाद की अगर हम बात करें देख सकते हैं ऊपर से कुछ स्टेशन आ जाते हैं सामने, आप देख सकते हैं एक टेरेस है, ऊपर हम चढ़ के यहाँ का सीन देख सकते हैं। वो अभी काफ़ी मतलब नया नया बना हुआ है, तभी आपको वहाँ पे भी ले चलेंगे और वहाँ पे चलने के बाद भी दिखाएंगे कि वहाँ से किस तरह का सीन आता है। सो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ से स्टेशन नज़ारा आता है। अभी आप देख सकते हैं अभी हम ऊपर में चल रहे हैं और ऊपर में इस तरह से कुछ नजर आता है। ये पीछे का सीन देख रहे हैं काफी आकर्षक है, हालांकि आप देख रहे हैं कि ये मतलब काफी जर्जर हालत यहाँ पर हो गया है, काफी स्थिति यहाँ का जर्जर हो चुका है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मरम्मत नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और फ्रेंड्स आज जब हम आए तो यहाँ मतलब काफ़ी लेट से आए बोलिए, यानी कि उतने टाइम पे हम आए नहीं कि आपको पूरा यहाँ का ब्लॉग दिखा सकें। लेकिन इस बार का ब्लॉग में आपका मतलब काफ़ी सारा एरिया आपका जो है सो छूट जा रहा है, जैसे आप देख सकते पीछे का जो एरिया है इधर मैं आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से दो तीन टेरेस बना हुआ है जहाँ पे आप चढ़ के देख सकते हैं ऊपर का जो सीन होता है। चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं दूसरे तरफ का जो ब्लॉक चलता है, दूसरे तरफ जो लगा होता है वो देखते हैं कि किस टाइप से आता है। चलिए चलते हैं नीचे अब। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, आप सामने का देख सकते हैं ये सब एरिया मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको आज काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी मतलब भव्य भव्य चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब बोला जाए तो प्राकृतिक काफ़ी अच्छी देन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंगल भी है आप देख रहे हैं इस वीडियो। तो आज के वीडियो में आपको हम यही सब दिखाने वाले हैं। चलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आगे का ब्लॉग्स देखते हैं। और इसके बाद फ्रेंड मैं आपको दिखा दूँ कि ये सामने जो रास्ता जाता है ये रास्ता आपको एक कुएं में ले जाता है। चलिए आपको हम कुएं में ले जाकर दिखाते हैं कि आपको अंदर क्या देखने को मिलता है। हालांकि कुआँ पानी है नहीं क्योंकि लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर गए भी हैं, तो आपको वही ले जाते हैं, आपको वहाँ ले आए बात दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा सीन आता है, काफ़ी ज़्यादा खंडर टाइप का दिखता है। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर चलने के बाद देखते हैं अंदर से कुएं का अंदर से क्या सीन आता है, क्या नज़ारा देखने को मिलता है। Okay.
फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुएं में अंदर आने के बाद सीन कुछ इस टाइप से आता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि फोटो क्लिक करवाने के ख्याल से या फिर कुएं में अंदर घूमने के ख्याल से बोलिए या फिर यहाँ का नजारा देखने के ख्याल से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर ऊपर से सीन दिखाया जाए, देखिए ये कुआ है आपका जो कि काफ़ी गहरा है। यहाँ से आप यहाँ आपको ऊपर ले सकते हैं, ऊपर दिखाते हैं कि यहाँ का गहराई कितना ज़्यादा है। और अगर हम अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद इस टाइप से कुछ सीन आते हैं, तो ये था यहाँ का गहरा। इस बार अभी हम आपको ले चलते हैं बाहर और फिर आप बाहर चलने के बाद फिर आगे चलिए। अभी हम चलते हैं फिर कुएं से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि निकलने का और अंदर आने का दोनों रास्ता सेम ही है, आप देख सकते हैं कितना कठिन है। अगर मानी ये अगर आप सोचते हैं कि बच्चे लोग अगर अंदर आना चाहे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अंदर आने के लिए। तभी हम चलिए बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले चलते हैं आपको कुएं बाहर से और बाहर से लगते ऊपर से दिखाते हैं कि कुआं अंदर कितना गहरा था और ऊपर से देखने पर कुआं किस टाइप का आता है। ये जो कुआं है यही कुआं था जो अभी आपको हम अंदर से दिखाए हैं। और इसका गहराई जहाँ तक देखा है तो मैं आपको गहराई दिखा दूँ कितना ज़्यादा गहरा है। देख सकते हैं फिलहाल हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और इसके बाद आपको ऊपर फ्लोर ले जाकर दिखाते हैं आगे का जो नजारा आता है, आगे का जो सीन आता है। और यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं कि है आपका सीढ़ी जाने का रास्ता है। हालांकि सीढ़ी काफ़ी टूट चुका है देख सकते हैं हालत। और अगर आपको आसानी जाना है तो इधर से आप जा सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं फिर ऊपर से यहाँ का दृश्य सीन आता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम अभी ऊपर में आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद पीछे का अगर सीन देखा है तो कैसे कुछ नजर आता है यहाँ का। हालांकि ऊपर चलने में काफ़ी थक गए हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी अजीब सा कैमरे सामने देखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके बाद चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं और ऊपर में और ऊपर जाने के बाद फिर ऊपर से नया देखते हैं कि पीछे की साइड में क्या सीन आता है। हालांकि अभी तक का जो भी हम सीन देखे वो जो आगे साइड का वो देखे हैं। अभी हम चलते हैं पीछे की ओर, पीछे की ओर चलने के बाद देखते हैं पीछे क्या सीन आता है। और आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालाँकि आज छठ का जो मतलब जो छठ का आखिरी दिन होता है जो लास्ट अर्घ होता है वो दिन है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है।
और आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, हालांकि मतलब ये आसपास के लोग हैं सो आते ही हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, पलामू किला को जानने के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं कि उस अवस्था में नहीं है, चूँकि यहाँ पे मरम्मत नहीं कराया गया, जिसके कारण मतलब यहाँ का हालत काफ़ी जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल पैलेस है। चलिए आगे और देखते हैं यहाँ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको पीछे की ओर दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे में और भी है, इसका किला का भाग है, उधर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं, और ये इधर से ऐसे ऐसे आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं मैं उंगली में सामने कर रहा हूँ। हालांकि मैं मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ उंगली से, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी भव्य नज़ारा है यहाँ का, और इसके बाद अभी हम आपको ले चलेंगे, देख सकते हैं आगे, आगे चलने के बाद फिर देखते हैं आगे का क्या सीन आता है। सो चलिए चलते हैं अब आगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम इधर का जो किला था इसमें सबसे ऊपर आ चुके हैं, इस पर आपको ले चलते हैं इसका दूसरे किले की ओर। यहाँ पर मतलब जो मैंने बताया कि हालांकि ये खंडहर टाइप का हो चुका है तो कई भाग में बट गया है, मैं आपको दूसरे साइड ले चलता हूँ, दूसरे किले की ओर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर वहाँ का सीन क्या आता है, वहाँ का क्या नज़र आता है आपको दिखाता हूँ, और यहाँ के बाद चलते हैं वहाँ और फिर वहाँ भी देखते हैं कि आगे का क्या ब्लॉग आता है। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे टेरेस पर आ चुके हैं ऊपर में, और टेरेस पर आने के बाद आप देख सकते हैं पीछे का सीन किस टाइप से आता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब अगर ऊपर आने के बाद आप लगभग यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था आज यहीं तक का था, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।